एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद देसी इंडियन राइडर्स। टाइम देख के आप लोग भी चौंक जाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है रात के 12। ये देखिए, और हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू गोवा। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग नाइट में राइड करने वाले हैं। हमने बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट को देखा है जो रात में ट्रैवल करते हैं। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक दैट एक्सपीरियंस, देखना था कि कैसे है, क्या है, क्या होता है नाइट में। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग नाइट में राइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो हम लोग लेने वाले हैं गोवा जाने के लिए जो राउट जो समीर भाई बात करेंगे, ये करो टेक द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे फर्स्ट, फिर आगे से सतारा कोल्हापुर होते हुए जो रास्ता महाबलेश्वर के लिए भी देते हैं, जब आप बॉम्बे से निकलते हैं हम लोग वो रूट लेंगे। एंड मूविंग अहेड द जर्नी इज 535 किलोमीटर्स। हम लोग वाशी टोल पर आ गए हैं क्योंकि हमारी शक्ल दिखाने के लिए हम लोग रुके थे जो अच्छी फ्लड लाइट के नीचे, थैंकफुल कर चुके हैं हम लोग। और क्यों हम लोग ने ये टाइम ये रात की जर्नी प्लान की है ये हम आगे व्लॉग में बात करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे रुक कर या मोटो व्लॉग पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमेशा की तरह हमें सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वाशी टोल पे हम लोग आपसे 12 बजे मिले थे, अभी हुए हैं 12:30। वहाँ पे थोड़ा फाइनल चेक किया हमने, अपनी सैडल चेक की, और अब हम पहुँचे हैं कलंबोली। एज ऑलवेज ऊपर से जाएंगे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, बट यस वी गोना बी गोइंग थ्रू द ओल्ड बॉम्बे पुणे रूट एज डिस्कस्ड। हाँ, थोड़ा आगे ले लेता हूँ, कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, और 46 मिनट्स है यहाँ से। एग्जैक्ट 517 किलोमीटर है जो हमारी होटल है। आगे अभी पता नहीं कहाँ पे ऐसी लाइट्स मिलेगी या हाईवे पे अंधेरा रहेगा, पर जहाँ पे भी मन करेगा आपसे बात करें, अंधेरा हो या उजाला, आपसे ज़रूर बात करेंगे। सो टाइम चेक, इट्स एग्जैक्टली 2 AM और हम लोगों ने 120 किलोमीटर्स कवर कर लिया है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से आने के बाद। ओल्ड मुंबई हाईवे से इट टुक अ राइट फ्रॉम देव रोड, सीधा जाते थे पुणे, अब ये रास्ता वाया सातारा और कोल्हापुर जाएगा, विच विल टेक अस टू आवर डेस्टिनेशन गोवा। सातारा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स, एंड बिकॉज वी हैव लेफ्ट इन द नाइट, हम लोग रात को निकले तो इतना फटीग नहीं हो रहा है जबकि समर्स चालू है। ट्रस्ट मी, 36 डिग्रीज मेरे ओडो पे अगर दिख रहा है, 36 डिग्रीज, बट वी आर एबल टू राइड वेरी वेरी पीसफुली एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो टारगेट यही है कि वी गोना कवर एज मच ग्राउंड एज वी कैन, तो सुबह उजाला होने के पहले जितना ज़्यादा किलोमीटर हो सके उतना काट लेंगे, ताकि फिर क्या सुबह कहीं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके सीधा टू आर डेस्टिनेशन। सो वी माइट जस्ट टेक 1 or 2 halts ऑन दिस राइड, बिकॉज आइडली इन द पास्ट वी हैव कवर्ड लाइक 200-300 किलोमीटर्स इन वन स्ट्रेच। सो करेंटली दैट इज व्हाट द प्लान इज। सो फॉर एवरीथिंग ऊपर वाले के क्रम से सब अच्छा चल रहा है, बस आगे भी अच्छा चलेगा, इसलिए ये व्लॉग आगे तक भी देखिएगा और पूरा देखिएगा। 155 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है कम्प्लीट, और अभी हम लोग जा रहे हैं इनसाइड द कातरज टनल। बहुत सारे ख्याल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, रात में कैसा चलाएंगे, अभी हो कि यू नो रोड्स अच्छे मिले, लाइट्स होगी कि नहीं, तो बहुत सारे चेक्स किए, मिक्स रिव्यूज़ मिले हमारे हमको रोड्स के बारे में। सम ऑफ देम वर टेलिंग अस टू टेक द ओल्ड बॉम्बे पुणे रोड, आई मीन द ओल्ड बॉम्बे गोवा रोड, आई एम सॉरी। सम वर टेलिंग कि नहीं कोल्हापुर से जाना, देन फाइनली हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि विल गो थ्रू द कोल्हापुर रोड, क्योंकि रिसेंटली हमारा एक दोस्त गोवा जाके आया था ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड ही टुक दैट कोल्हापुर वाला रोड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द रोड। सो अभी हम लोग क्रॉस करें कातरज टनल, अभी इसके बाद में 100 किलोमीटर्स पे है सतारा। प्लान तो यही है कि नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर चले, अभी तो 155 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है, और एक 155 किलोमीटर्स और 150 किलोमीटर्स और चलाएंगे, 300 किलोमीटर पूरा करके देन विल प्रॉब्ली स्मॉल एक छोटा सा हॉल्ट लेंगे, प्रॉब्ली अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू नो जस्ट रीफिलिंग आवर बॉटल्स एंड देन स्टार्टिंग अगेन। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा, जो 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 रूट रहेगा वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो 250 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे इस राइड के, तो ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट, और अब हम लोग पहुंचे हैं सातारा।
यहाँ से और 300 किलोमीटर है एग्जैक्ट जो हमारा होटल रिजर्वेशन है गोवा में। ये रोड पे एक अच्छी बात ये देखी मैंने कि वो ये लाइट्स हैं, मोस्टली नेशनल हाईवेज पे स्ट्रीट लैंप्स नहीं होते और इसके होने की वजह से दो हमारी फॉग लैंप्स तो है ही हेडलाइट के साथ, पर ये एक्स्ट्रा कंफर्ट देते वाइल राइडिंग इन द नाइट। मतलब यू नो दैट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस ताकि आप सिर्फ अपनी फॉग लैंप और हेडलाइट पर रिलायबल नहीं हो, ये जो LEDs जैसा दिख रहा है स्ट्रीट लैंप्स उसके वजह से भी काफ़ी मदद मिल रही है हम लोग को एक स्पीड मेंटेन करने की। और जब से हमने कोथरूड से राइड लिया हमको ये 6-lane रोड मिला है एंड द कंडीशन इज प्लश एंड हैट्स ऑफ कि जो अभी कनेक्टिविटी हो रही है रोड की। हम लोग मैं और मंदार बोलते थे कि गुजरात से हमारा फेवरेट हाईवे, पर ये हाईवेज भी जब आजकल हम ले रहे हैं इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग अस। गाइस इट्स 4:55 राइट नाउ और हम लोग पहुंचे हैं कराड़। अभी 300 किलोमीटर आए नॉन स्टॉप, हम लोग कहीं रुके नहीं, विदाउट एनी हॉल्ट वी केम 300 किलोमीटर्स। अभी हम लोग एक कराड़ में, यहाँ से और है 285 किलोमीटर्स है और सुबह 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। इट्स 4:55 AM, तो हम लोग जो होटल है हमारा वहाँ पे 10 बजे पहुँचेंगे एंड द मोटो इज़ द सेम दैट एक ही हॉल्ट लेने का इरादा है और ये फर्स्ट हॉल्ट ऑफ द राइड है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ अहेड। एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी पी और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं यही है वो हाईवे। ये हाईवे से लेके थोड़ा एक 5 किलोमीटर के बाद में मिलेंगे हम लोग एक राइट एंड देन विल कंटिन्यू। हम लोग मिलते हैं आपको मोटो लॉक पे। प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो को एंड तक देखिए और ये नाइट जर्नी हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो इट इज़ 5:45 राइट नाउ और हम लोगों ने करीब कंप्लीट कर लिए 350 किलोमीटर्स। अभी हम लोग है कोई मालकापुर हाईवे पर। ये हाईवे 6 किलोमीटर के बाद में हम लोग कनेक्ट करेगा ओल्ड बॉम्बे गोवा हाईवे से, प्रॉब्ली समवेयर नियर रत्नागिरी और राजापुर। जब बॉम्बे से जब निकले थे तो भी ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत जन बोलते थे कि काम चल रहा है संभाल के जाना, बट ट्रस्ट मी ये रोड से जब हम आए यू नो कराड़ तक जब हम आए मुंबई से ज़रा भी नहीं मिला कंस्ट्रक्शन का कहीं काम। हाँ डाइवर्जेंस थे थोड़े बहुत यहाँ वहाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रस्ट मी द रोड हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड अस एंड उसकी वजह से वी आर एबल टू कम्प्लीट अ गुड अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स। और आई थिंक अनदर 200 किलोमीटर की जर्नी और बाकी है एंड 230 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। और आई थिंक दिन उजाला भी हो रहा है, धीरे धीरे सनराइज भी अभी हो ही रहा है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जर्नी जैसे कि नेशनल हाईवे मिलेगा आई थिंक उजाले में फिर वो जर्नी हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन विल सी हाउ इट गोज। अभी के हिसाब से इट इज़ शोइंग दैट वील रीच आर डेस्टिनेशन विद यू नो द होटल दैट वी बुक्ड एट अराउंड 10:30। फिंगर्स क्रॉस, देखते कितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँचेंगे, बट टिल एज ऑफ नाउ द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, टच वुड। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे, धीरे धीरे सनराइज भी हो रहा है तो फिर आगे बातें और होती रहेंगी, तो बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलकापुर गाइज। और ये जो एक यू नो स्वीट अर्ली मॉर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ टाउन और अ विलेज, अगर मतलब 6 बजने वाले हैं और वी कुड सी पीपल गोइंग टू वर्क गेटिंग अप वर्शिप करने जा रहे हैं कुछ लोग, मस्त लग रहा है। देखो आजू बाजू ये ग्राउंड प्लस वन घर एंड देयर यू सी द माउंटेन्स। तो मुंबई से निकल के रात भर अंधेरे में चलाने के बाद मॉर्निंग में जब ये नेचर्स पैराडाइज में आपका स्वागत होता है तो क्या ही बात करें, रिफ्रेशिंग मॉर्निंग इसको कहते हैं। जैसे समीर ने पीछे कहा यू नो हम लोग जैसे गांव के रास्ते से होके आ रहे थे, यू नो पीपल वर गेटिंग अप, देयर वर सम लेडीज वर यू नो बर्निंग वुड पानी गर्म करने के लिए प्रॉब्ली। तो वहाँ से होने के बाद में यू नो हियर वी आर इन नेचर्स पैराडाइज, यू नो पूरा रोड खाली है यहाँ पर एंड इट्स जस्ट अमेजिंग यू नो टू आई मीन अगर आप राइडर हो तो यू विल अंडरस्टैंड यू नो कि क्या क्या कौन से इमोशंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते जा रहे इस रोड पे, देयर इज नो ट्रैफिक, इट्स जस्ट नेचर, नो पोल्यूशन भी नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ वॉट वी पीपल यू नो ट्रैवलर्स जो होते हैं दिस इज़ वॉट वी लुक आउट फॉर। तो यू नो दिस इज़ लाइक ये बोलते हैं ना कि
अंधेरे के बाद में जैसे भी बोलते देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दिस इज हाउ इट इज, यू नो यू राइड इन द नाइट व्हेयर यू डोंट सी एनीथिंग, पता नहीं आजू बाजू में क्या है, बट देन व्हेन द सन राइजेस यू नो दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज द ब्यूटी। तो अभी ये रोड हमें लेके जाने वाला है ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पर, बट एज ऑफ नाउ वी आर एंजॉयिंग द रोड एंड द जर्नी एज वेल, एंड वी होप दैट यू एंजॉय द जर्नी विद अस एज वेल। 6:30 राइट नाउ और एक मस्त स्पॉट दिखा यहाँ से, नीचे दिख रहे ऐसा मस्त, थोड़ा रुके, मस्त शांति भी है यहाँ पर। समीर भाई मस्त नया अपना हाइड्रेशन बैग में से पी रहे पानी। हाँ, हॉल्ट नहीं लेने वाले थे पर ये व्यू ऐसा था ना, सो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड एंजॉय दैट मोमेंट, भले ही दो मिनट क्यों ना रुकना पड़े। एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ना रोड ट्रैवलिंग इज द बेस्ट ट्रैवलिंग। बस अभी ये व्यू एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से गाड़ियाँ मस्त यहाँ पे पार्क हुई, कुछ सीधा रोड वहाँ पे नीचे रोड है, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं पर यही रोड यहाँ से जाकर वहाँ नीचे जाता है, तो वी प्रॉब्ली विल बी टेकिंग द सेम रोड। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे राजापुर, राजापुर से विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू गोवा, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और लास्ट हम लोग ने जहाँ रुक के ब्लॉग किए ना, जो हम लोग ने एक ब्यूटीफुल व्यू देखा, उसके बाद तकरीबन 50 किलोमीटर तक हम लोगों को सिंगल लेन रोड मिला और उसके बाद मिला है ये एक्चुअली 2 लेन या 3 लेन है, ये भी फ्लाई ओवर से उतरे तो मोस्टली 2 लेन ऑन वन साइड एंड दिस डायरेक्टली यहाँ से 120 किलोमीटर्स है पणजी। हम लोग थोड़ा पीछे काफ़ी टाइम से क्या स्पीड मेंटेन कर रहे थे ना स्टेट हाईवे पे, तो थोड़ा मस्त अच्छा भगाया गाड़ी। यहाँ से देखिए पंजे में 131 किलोमीटर्स। तो गाइस इट्स 9:10 एंड हम लोग वी हैव टच्ड गोवा, लाइक हम लोग वी हैव एंटर्ड गोवा ऑलरेडी। अभी तक की टोटल जर्नी हो चुकी है 550 किलोमीटर्स, 25-28 किलोमीटर्स है द प्लेस वेयर वी हैव बुक्ड। 36 बता रहा है टेम्परेचर बट इतना गर्म नहीं हो रहा बिकॉज प्रॉब्ली वी आर राइडिंग ऑन द रोड। और द बेस्ट थिंग इज अबाउट राइडिंग इन द नाइट इज थकान महसूस नहीं हो रही है ज़रा भी हम लोगों को, मतलब वी स्टिल फ्रेश। अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे प्रॉब्ली वी कैन ईजिली गो अनदर 200 किलोमीटर्स में और समीर, बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ काइंड जहाँ पे हम लोगों ने पहली बार रात में राइड किया। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम मुंबई, वी केम टू पुणे, फ्रॉम पुणे वी केम टू सातारा, सातारा से वी केम टू कराड एंड देन लोकल की मदद से वी गॉट दैट अनदर रोड विच डायरेक्टली टू कस्ट टू यू नो वी गॉट आउट एट राजापुर। द रोड कंडीशंस वर अमेजिंग, ज़रा भी हम लोगों को कोई तकलीफ रोड ने दी नहीं। एंड देन आफ्टर एंटरिंग राजापुर ऑल्सो जब हमने ओल्ड मुंबई गोवा रोड लिया, द कंडीशन ऑफ द रोड आफ्टर राजापुर वॉज ऑल्सो अमेजिंग। तो वी आर हियर नाउ ऑलरेडी, अब 28 किलोमीटर की और जर्नी बाकी है इस राइड की, उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वील चेक इन इनटू द होटल। और उसके अलावा अगर आगे गोवा में और जैसे एंट्री करेंगे ना, वी ऑलमोस्ट देयर, बट जैसे एंट्री करेंगे अगर कुछ है तो वील लेट यू नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, नहीं तो फिर वही बस अपना चलते रहेंगे और सीधा आगे मिलेंगे आप लोगों से। सो वी आर नाउ इन साइड गोवा, लाइक प्रॉपर लाइक गोवा। अभी अंजुना जा रहे हैं, अंजुना यहाँ से पता नहीं और 4-1 किलोमीटर और बता रहा है एंड यू नो दिस इज लाइक प्रॉपर गोवन फीलिंग आ रही है अभी, छोटे छोटे घर देखे एंड आई कुड सी अ लॉट ऑफ क्रॉसेज हियर बाय, अ लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग, प्रॉब्ली आज तो वीक डे तो सब लोग अपने काम से जा रहे हैं, बट या फाइनली वी आर हियर इन गोवा। जैसे हम लोगों ने बताया था द्वारका वाले ब्लॉग में कि यू नो विल राइड डाउन साउथ, विल स्टार्ट विद गोवा एंड हियर वी आर इन गोवा। आई थिंक दिस विल मार्क द बिगनिंग ऑफ आवर साउथ राइड्स विद गोवा एंड देन प्रॉब्ली वी मे गो अ लिटिल मोर डाउन टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, बट हाय गर्मी तो है, आई नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट्स नॉट हॉट, इट इज हॉट जस्ट बिकॉज वी आर राइडिंग अभी फील नहीं हो रहा, बट थोड़ा टाइम हम लोग पीछे रुके थे जस्ट टू यू नो एडजस्ट द नेविगेशन, वहाँ पे गर्म हो रहा था बट नेवरदलेस अभी आ गए हैं सब कुछ करते हुए। ठंडी गर्मी जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ठंडी गर्मी बारिश से तो चलते रहेगा, राइड का मज़ा तो हम लोग लेते रहेंगे चाहे कुछ भी हो।
बिकॉज वो अपना एक थेरेपी है जो अपने को एक रिफ्रेशमेंट देता है, स्ट्रेस बस्टर है, अपना ऑफिस से जो भी काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, ये थ्रॉटल दो तब स्ट्रेस गायब। तभी समीर भाई अपने गूगल मास्टर लेके चल रहे हैं अपने को अपने मंजिल, आज की हमारी मंजिल इज अ प्लेस कॉल्ड कासा दी फर्नांडो, जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग की है थ्रू अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड वील लेट यू नो इफ यू वांट टू बुक सम प्लेसेस देयर, वी इनपुट हिज नंबर इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम इफ यू वांट टू बुक एनीथिंग, यू कैन कॉल हिम इन एडवांस जस्ट इन केस। तभी ये समीर भाई अपने लेके चल रहे हैं भाई अपने हमेशा की तरह, तो मिलेंगे और फिर उससे बात करेंगे, तो इस तरह होटल पर मिलेंगे आपसे, and then we'll talk there. And look at these big houses, like old cone houses. Yeah, mast lagta hai yaar bhai. A nice feeling. Chalo, abhi milte hain seedha hotel pe. Fresh fresh hoke aap logon se baat karenge.